आसाम में जो हो रहा है वो जनतंत्र के खिलाफ है, और इसलिए क्योंकि कृषकों का संघर्ष ही नहीं लेकिन आसाम के गुवाहाटी के गरीब बस्तियों का संघर्ष हो, इटोल नाका को बंद करने का संघर्ष हो, या और हॉकर्स का संघर्ष हो, या निर्माण कार्य हो जैसे बायोडाइवर्सिटी पार्क खड़ा करने से लेकर अलग अलग प्रकार के पार्क्स जो टूरिज्म का सेंटर नहीं केवल एक प्रकार का एजुकेशनल सेंटर्स है उसको खड़ा करने का कार्य, और ब्रह्मपुत्रा के नदी घाटी के बांध विस्थापितों का मुद्दा हो, ये पूरे मुद्दे पर्यावरणीय तक अखिल गोगोई जी और उनके साथी कृषक मुक्ति संग्राम समिति के इन्होंने उठाए, और केवल एंड केवल जनशक्ति के आधार पर अहिंसक सत्याग्रही पद्धति से ही परिवर्तन की ख्वाहिश उन्होंने रखी। लेकिन आज उन्हीं को राष्ट्रद्रोही, आतंकवादी, माओवादी, हिंसक सब कोई आरोप लगाते हुए जेल बंद करके रखा है। ये बहुत ही बड़ा अन्याय है, और हम लोगों ने जितनी भी बात दिखी है देखी है हमको लगता है कि कोई सबूत के बिना इस प्रकार के आरोप आजकल जो देश भर लगाए जाते हैं अभिव्यक्ति की भी आजादी मंजूर न करते हुए, और अहिंसक जनतांत्रिक जन आंदोलनों को अवकाश स्पेस न देते हुए वही असम में होते हुए दिखाई दे रहा है। किसी गोलघाटा की मीटिंग में एक कोई माओवादी आकर बैठा था, इसको लेकर अखिल गोगोई को माओवादी साबित करना कितना सही है, उनको पता भी नहीं कि किस माओवादी का वो जिक्र कर रहे हैं। और जो भी हिंसा का आधार आसाम में अलग अलग समय पर जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स है उसमें लिया जाता रहा है, वो उल्फा से लेकर अन्य कई समुदायों से, लेकिन कृषक मुक्ति संग्राम समिति और अखिल गोगोई अहिंसा के पक्ष में होते हुए जब आंदोलन का नेतृत्व करते हैं तो उनको ही हिंसक साबित करना आसान बात नहीं, पर वो आसान हो साबित करना झूठा मोटा आरोप भी, इसके लिए आज उनके ऊपर यूएपीए के तहत केसेस दाखिल की जा रही है और एनआईए के हाथ में इन्वेस्टिगेशन दिया है। महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव की बात आपने सुनी होगी, जो 9 एक्टिविस्ट जेल में हैं, उनको महाराष्ट्र की नई सरकार एसआईटी के द्वारा देखने लगी तो केंद्र सरकार ने उस केस को एनआईए के हाथ में लिया, क्योंकि एनआईए सेंटर के हाथ में है और ये आरोपी भी सेंटर के हाथ में केंद्र सरकार के हाथ में चले जाए और उन्हीं से जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा वो किया जाए, ये उनका मुद्दा है। महाराष्ट्र सरकार ने कागज देना भी मना किया है, पर आसाम सरकार और केंद्र में एक ही पार्टी सत्ता में होते हुए हम कागज नहीं दिखाएंगे कि बात महाराष्ट्र सरकार ने की है, आसाम सरकार नहीं करेगी। लेकिन हमारा कहना यह है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है वो पूरा पॉलिटिसाइज्ड होने की ही संभावना हमको दिखाई देती है। 10 दिन दिल्ली में रहने के बाद जो हुआ है वो काफी था, लेकिन हमें जानने मिला है वकीलों से भी कि जो घटनाक्रम ये चार्जशीट में बताते हैं उसके बारे में सवाल नहीं के बराबर पूछे जाते हैं, और बाकी सवाल होते हैं संगठन के और परिवार के संबंध में। ये कौन सी न्यायिक प्रक्रिया है, हम इसका धिक्कार करते हैं। आज अखिल गोगोई जी हो, बिट्टू भाई हो, ध्रुजो भाई हो, मानस भाई हो, जो भी आज यहाँ जेल में है, या 23 युवा साथी इनके जो पूरे आसाम भर के जेल में है, उनके ऊपर अन्याय और अत्याचार इसीलिए ढोया जा रहा है क्योंकि वो अनकॉम्प्रोमाइजिंग है अपने मुद्दे पर, अपनी भूमिका पर, और जनवादी मुद्दे लेकर खड़े होने वाले और सरकारी तरीके से आंदोलन न चलाने वाले यही आंदोलनकारी है, और हर चुनाव में राजनीतिक दल या तो उनके पांव पकड़ते हैं
या तो इनको बदनाम करते हैं। इसका मतलब है कि उनकी ताकत सरकार को डराती है। और आज ये देश भर हो रहा है, आसाम में जो हुआ है CAA के नाम पर, उसमें मुसलमानों को लक्ष्य बनाया गया लेकिन हिंदुओं पर भी अन्याय हुआ है। तो CAA का विरोध जनतांत्रिक विरोध है। कोई कानून के निर्माण की प्रक्रिया जनतंत्र में ऐसी ही चलनी चाहिए कि अंग्रेज सरकार के समय जब गांधी जी के आंदोलन में असहकार का मुद्दा था, कानून का विरोध, तो देश में कोई भी नया कानून आता है या कानून बदलते हैं या कानून खत्म करते हैं। आज 144 श्रम कानून खत्म किए जा रहे हैं, क्या उसका विरोध करने का हक नागरिकों को नहीं है? अगर इतना साधा सा जनतांत्रिक अधिकार नागरिकों को नहीं है तो हमको नागरिकता के लिए क्या काम की? तो ये बात निश्चित है कि जो CAA का विरोध हो रहा है और CAA के आधार पर NPR या NRC बनाना नामंजूर किया जा रहा है, उसमें हम भारत के लोग के समन्वय में आसाम के भी संगठन शामिल हैं और हमको इस समन्वयिक ताकत से देश में विभाजन लाने का कोई भी कार्य रोकने की जरूरत लगती है। आसाम की पूर्व पीठिका अलग है, हम जानते हैं, क्योंकि आसाम में जो बॉर्डर स्टेट है और पहले बंगाल एक था आसाम के साथ, फिर विभाजन हो गया और फिर बांग्लादेशी युद्ध हो गया, जमींदारों ने भूमिहीनों को यहाँ बुलाया, उसमें मुस्लिम खेतीहर मजदूर अधिक थे, अलग अलग प्रकार से, अलग अलग भाषा, अलग अलग राज्य से, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते रहे लोग इस संवैधानिक दायरे में अपना संचार का अधिकार इस्तेमाल करते रहे। लेकिन आसाम में क्योंकि रोजगार की समस्या खड़ी हुई, जनसंख्या के असर अलग अलग मुद्दों पर पड़े, तो आंदोलन उछले, राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी वोट बैंक के लिए भी इसका बहुत बड़ा आधार दिया आसाम के लिए। लेकिन तमिलनाडु में श्रीलंका से आए हुए लोग हैं, बांग्लादेश के लोग बंगाल में आए हैं, सालों से हमारी मदद मांगते रहे, हमने जाकर समर्थन भी दिया कि भाई अब जो आए हैं और वो जो इतने सालों से काम कर रहे हैं, अपने आपके घर मांग रहे हैं, आपके रास्ते साफ कर रहे हैं, आपके कारखानों में प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उनको कुछ तो अधिकार चाहिए, खाने पीने का, रहने का, जीने का। जब तक निकाल नहीं होता तब तक तो चाहिए कि हम सही में सबको रोहिंग्या जैसी स्थिति में ढकेल देंगे, नहीं संभव है। अब उन बांग्लादेशियों को कहकर कि मुसलमानों को हटाएंगे तो तुमको प्रॉपर्टी मिलेगी और तुमको अधिकार मिलेगा, तुमको रोजगार मिलेगा, ये बंगाल में जाकर मध्य प्रदेश के एक मंत्री कहते हैं। तो समझिए कि इनका खेल तो वोट बैंक अपनी अपनी बनाने का है, पर जो जन आंदोलनों की राजनीति है वो वोट बैंक तक सीमित नहीं रहती है। इनकी बैंक्स तो खत्म हो रही है पैसे की और प्राकृतिक पूंजी की भी, तो क्लाइमेट चेंज आ रहा है। हमको चाहिए कि हमारे मूल्यों की धरोहर जो संविधान ने भी दिए और संविधानिक अधिकार के ऊपर मानवीय अधिकार है, उसको हम बचा के रखें। कभी दलित उठते हैं रोहित पेमुल्ला की आत्महत्या के बाद, जो हत्या मानते हैं, हम उनके साथ खड़े होते हैं। आदिवासी हमारे वन अधिकार छीन कर उजाड़े जाते हैं तो लाखों की तादाद में चुनौती देते हैं किसी कानून नीति या निर्णय को, और वो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं और जनता के कोर्ट में भी खड़े करके चुनौती दे सकते हैं। ये हमारा जनतांत्रिक अधिकार है, इसको छीनने का काम यहाँ के साथियों को जेल में डालकर किया जा रहा है, हम इसका धिक्कार करते हैं और आशा ही नहीं मांग करते हैं कि इनको तत्काल रिहा किया जाए। न कोई सबूत है और पुरानी केसेस को अभी जानबूझ के लाया गया है और जांच भी
अराजनीतिक निष्पक्षता से नहीं हो सकती है, आज की परिस्थिति देश की ये बताती है। तो इसीलिए इनको रिहा किया जाए और जो जांच करनी है कर सकते हैं, कौन डरता है जांच से, हमारी जांच करते हैं, उनकी जांच करते हैं, उनकी जांच करते हैं। कुलदीप सेंगर की जांच होते होते बहुत सालों उन साल निकल जाते हैं और उनको फांसी भी नहीं दी जाती है। फांसी दी जाती है गरीब दलित परिवार के बलात्कारियों को, जिनके साथ अवैध गैर कानूनी एनकाउंटर का खेल खेला जाता है। तो इसलिए निष्पक्षता आज कानूनी प्रक्रिया में भी सब जगह नहीं दिखाई दे रही है। इसलिए हम तत्काल बिन शर्त रिहाई की मांग करते हैं।